से पहले आपको बताएं कि वोट डालने जाएं तो दूसरों से पूछें कि आपका लीडर हॉलीवुड का अदाकार तो नहीं। हॉलीवुड के एक्टर ने ऐसी एक्टिंग की कि ख्वातीन रो पड़ी। लंदन जाने वाला नवाज शरीफ वहां पहुंचते ही दूसरा नवाज शरीफ बन गया। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर के इलाके भिंबर में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, अगर अदालतें आजाद हैं तो इनसे पूछें ये भागे क्यों हैं। वजीर आजम ने जलसे के शुरका को कोरोना से बचने के लिए एहतियात करने की भी तलकीन की। अपडेट कर रहे हैं आपको वजीर आजम के अहम खिताब के हवाले से। आजाद कश्मीर भिंबर में वजीर आजम ने जलसा आम से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहा, वोट डालने जाएं तो दूसरों से पूछें कि आपका लीडर हॉलीवुड का अदाकार तो नहीं। मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछ रहे हैं जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं। क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग करके बीमार बन के हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, आज पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, इमरान खान कुछ डंडों से सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करता। इमरान खान टेलीफोन उठा के किसी जज को टेलीफोन नहीं करता कि जी 3 साल नहीं 5 साल से ज्यादा हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हुए हैं, डर किससे है?